रिलायंस इंडस्ट्री, बजाज फाइनेंस और कोटक बैंक के शेयरों में हुए नुकसान से सोमवार को सेंसेक्स में 1170 अंक की भारी गिरावट आई। बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 1170.12 अंक यानी 1.96% के नुकसान के साथ 98,465 अंक पर आ गया है। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 348.25 अंक पर बंद हुआ।